तो जैसा कि मैंने सोचा, सिचुएशन के अनुसार आप स्थिति बदल गई है, इसी तरह हमारे जीवन में भी कई प्रकार उतार चढ़ाव आते हैं, उसके अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने फटाफट से डिसीजन लिया है कि फटाफट से कटोरियों में रख देंगे, तो गेस्ट भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे फटाफट से इतनी सारी, क्योंकि ऐसे काम हमने फ्रेंड्स लाइफ में बहुत किए हैं। पहले गेस्ट आते थे तो फटाफट दादी से बोलते थे कि अरे भाई ये तो खानो जीम ने जाए हमें। हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और सुबह का काम का चल रहा है, जैसे कि रोज होता रहता है, कुछ ना कुछ अलग हो जाता है, कभी सफाई हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आज बना लिए थे पोहे, तो मुझे और अर्जुन को खाने, दादी सा को तो जिमा दिया, उनके नाश्ते का टाइम हो जाता है, फिर उनको दवाई वगैरह दे देती हूँ, उसके पापा ने भी जिम लिया, नाश्ता कर लिया, अब हम दो हैं, हम भी नाश्ता करेंगे और साथ ही साथ घर का काम काज है, साफ सफाई धीरे धीरे चल रहा है, तो वो सब भी आपको दिखाती रहूंगी। और कहीं बाहर जाते हैं या कल कुछ, जैसे दादूसा का कल शाद था तो अर्जुन और उसके पापा, मैं घर में थी दादीसा के पास, और राधिका जैसे स्कूल जाती है तो इसके पापा और ये दोनों जाके घास डलवा के आए थे, चारा रीच का, और काफ़ी मतलब इन्होंने वहाँ पे गौशाला वाले से बातचीत भी की थी। तो पहले तो हम एक अलग मंडोर के पास हमारे हैं पन्नालाल बड़ी गौशाला, वहाँ भी गए काफ़ी बार, तो इस बार हमने सोचा कि कई ऐसे छोटे छोटे और भी गौशालाएँ बनी हुई है, तो वहाँ पर थोड़ा कम लोग जाते हैं, कम चंदा आता है जैसे, या कोई देना चाहता है, तो ऐसे जगह जाओ जहाँ पर थोड़ी ज़रूरत भी है। और इस हिसाब से हम लोगों ने नई कोई गौशाला का खोज की, तो कृष्णा गौशाला ये लोग गए थे, तो वहाँ पे डलवा के आ गए। तो आपको देखना है तो मेरा ब्लॉग ये वाला, तो उसका लिंक दे दूंगी, पिछला ब्लॉग है मेरा, तो आप लोग देख सकते हो। गौशाला में यदि आप लोगों को, जो स्पेशली जोधपुर में रहते हैं, उन्हें भी किसी ओकेजन पे, जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं या किसी बड़े बूढ़ों के, बुजुर्गों के हमारे दिन आते हैं, जैसे स्पेसिफिक दिन के दिन भी हम, उनका दिन होता है जो, उसके दिन भी हम दान पुण्य करते हैं जैसे, तो वो सब भी आप जाके वहाँ पे दान पुण्य कर सकते हैं गायों के लिए, और जो भी आप लोगों को पसंद हो, जितनी अपनी श्रद्धा होती है उसके अनुसार कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कम या ज्यादा, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अपने मन में खुशी होनी चाहिए और खुशी से जो हम दें वही सब अच्छा होता है, तो आप लोग भी जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पर। सुबह ही सुबह तो सभी को गुड मॉर्निंग सुबह की, और आप सभी का दिन बहुत अच्छा गुजरे और रोज ही अच्छा गुजरे, और सुबह सुबह काम काज शुरू हो गया, पानी वानी ले के भर के, यहाँ क्या होता है लोग एक्वागार्ड लगा देते हैं, सब बोलते हैं एक्वागार्ड लगा, हमारा अलग से वो फिल्टर अंदर पड़ा है, हम उसमें पानी डालते हैं, हमको ऊपर वो टंकी होती है ना वो रखता है, तो वो पसंद ही नहीं है उसका पानी आता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं वो तो शुद्ध पानी नहीं है, दादी सा वगैरह कोई पीते नहीं है, तो हम यहाँ से पानी भरते हैं, डबल छानते हैं, वो देखिए आप नल के ऊपर लगा रखे डबल वाली छन्नी, इससे पानी छान के पहले भरते हैं हम, स्टोर करते हैं। अब भैया स्टोर क्यों करते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, कभी पहले कटौती भी होती थी तो अंदर भी एक स्टैंड है, वहाँ पे मैं बाल्टियाँ और इस तरह की टंकी और ये देगड़ा बोलते हैं, छोटा देगड़ा बड़ा देगड़ा सब भर के अंदर रखेंगे, अभी ये तो मैंने यहाँ भरे हैं तो रखे हैं, अब अंदर रख देंगे, अंदर भी पूरी एक प्लेटफॉर्म भरा रखा है, तो ये हम स्टोर करके फिर ये छोटी बाल्टी से हमारा एक फिल्टर पड़ा है डाइनिंग रूम में, उसमें डाल देते हैं, फिर वहाँ से हम बॉटल वगैरह भरते रहते हैं, वहाँ से पानी फिल्टर होता है, तो इस तरह से हम अभी भी करते हैं। हम जैसे आप लोग सोचेंगे पुराने जमाने के हैं, तो कोई बात नहीं, हम तो पुराने ही सारी चीज़ों को अपनाते हैं, तो जैसे सब बड़े बूढ़े और सबको अच्छा लगे उसी हिसाब से काम करते हो। तो ये तो हो गई पानी की बात, और पीछे देखे चाय उकल रही है, ये देखे उकले है चाय, उकले लोग बोलते हैं चाय उकले, तो सुबह का समय पानी भी भर गया है, चाय भी उकल गई है, तो डाल देते हैं, वो सभी के कप अलग अलग है। देखिए ये है अर्जुन का कप, देख सकते हैं इसका अलग है, ये इसके पापा का कप, ये देखिए ये अलग है, ये है दादीसा का कप, ये दादीसा का इसलिए कि उनके थोड़ा सा हाथ वगैरह थोड़ा दूर कामता है ना, अभी एक हाथ सही नहीं है और एक हाथ उल्टे हाथ से चाय तो पी लेते हैं वो,
तो उनके लिए हम ये स्टील कोटेड अंदर का लाए और बाहर से इससे 2-3 कप फूट गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे को इसमें से भी कई बार नहीं पी जाती है, तो हम उनको अलग कटोरी में ऐसे डाल के देते हैं। तो चाय वगैरह तो वो पी लेते खास, क्योंकि सीधा आते तो खाना नहीं खा पाते। ये मेरा कप है और एक राधिका का भी अंदर पड़ा है, क्योंकि वो तो स्कूल चली गई है चाय वगैरह पी के, तो उसका कप अंदर है। सबके अलग अलग है, सब अपने अपने कप में ही चाय पीते हैं। तो इसी तरह से कार्य और बड़े बड़े लिए हैं सबने, तो थोड़ा सा खाली भी रख दें तो गिरती नहीं है चाय, थोड़ा खाली करके इतना भर देते हैं। तो बड़े कप होने से सही रहता है। पहले भी दादी से और के हाथ थोड़े कांपते थे, तो बड़े कप में चाय देने से क्या होता है कि वो आराम से पीते हैं और इतना खाली रख दें तो गिरने का भी डर नहीं रहता है। तो इसी तरह से सुबह का काम काज चल रहा है और आगे भी क्या क्या करेंगे वो आपको बाद में बताऊंगी। चाय पहले उकल गई तो उसको डाल के सबको पकड़ा देते हैं और चाय पी लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आप सोचते हैं आंटी ने बिस्लरी की बॉटल क्यों पड़ी, अरे ये तो बहुत काम की चीजें हैं, अवेयर अवेयर के रखते हैं। इसकी बड़ी भी पड़ी है हमारे पास, और बड़े बड़े कैंपर भी है, कभी कुछ खाना वगैरह या कुछ ऐसा होता है तो कैंपर भर देते हैं। नहीं तो ये जो बॉटल है ना, जैसे बाल्टी है तो भर ली, अब ये बॉटल है ना इसको उठा के फिल्टर वगैरह में डाल रहे तो बहुत आसानी रहती है। तो मैंने ऐसी दो बड़ी बोतलें तो अंदर रख दी, ये छोटी वाली दो निकाली है। अब क्या करूंगी मैं, इसको धो के फटाक से हम उठा लेते हैं और डाल देते हैं, किसी में भी सुविधा रहती है। तो बाल्टी और वो तो देख रहे हैं तो बड़े होते हैं, जैसे अब इसको धो के और मैं भर के रख दूंगी। ये हम छोटी छोटी दो बोतलें ऐसी भर के भी रख देते हैं तो फटाक से फिल्टर में और डालने के काम आ जाते हैं स्टोर, और अभी अंदर रख दूंगी, जगह भी नहीं घेरती है। तो ये है कि कभी पानी की जैसे कमी हुई एक दो बार तब ये बोतलें लेके आए थे वो हमने रखी है, और ज़्यादा ऐसे आ जाती है तो वो तो हम दे भी देते, कोई मतलब नहीं, 2-4 अच्छी होती है वो रख लेते हैं तो कभी काम आ जाती है। एक इतनी बड़ी भी रखी है तो आप लोग भी ऐसे रख सकते हैं। आप सोचते होंगे आंटी पुराने विचार की कोई नए नुस्खे बताती, नुस्खे तो पुराने हैं, तो चीज़ों को अवेयर के रखो तो काम आ जाती है कभी। और बहुत सारे सामान ऐसे जो हमारे सालों से अवेयर में, कोई 50-60 साल से, अभी पचीतों के पचीत बोलते थे अंदर हमारे स्टोर में, जो टांड बोलते हैं कई जने, उस पर इतने सामान है कि मतलब क्या करें, सफाई करके रखते हैं उसको, काम में भी नहीं लेते हैं लेकिन पड़े हैं। दादी से बोलते हैं यही समय का यही समय का, तो वो सब भी हमने अवेयर के रखे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जब सफाइयाँ करते हैं तो पता पड़ता है ओहो ये भी पड़ा है, अच्छा ये भी पड़ा है, इस तरह से काम काज चल रहा है। तो यहाँ पे आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बन रही है, हरा धनिया और हरे प्याज थोड़े डाल देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इसके। तो रात हो गई है और रात का खाना बन रहा है, यानी कि डिनर बन रहा है। तो डिनर में सब खाएंगे दाल बाटी। तो बाटी का आटा गूंधती हूँ, मैंने मोइन डाला है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाली है, और पीछे दाल, कुकर की सीटियाँ बजने लग गई है। तो बाटे बन के तैयार हो रहे हैं, बस अब राधी का सेक लेंगे फटाफट इसको गैस तंदूर में। तड़का तैयार हो रहा है दाल का, थोड़ी सी हींग और जीरा। वैसे तो कई लोग जनरली हींग जीरा खाने वाले तो खाली हींग जीरे में भी बना लेते हैं, और मैं इसमें डालती हूँ लहसुन और प्याज और हींग जीरा सब, उसका तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे है और बन रहा है यहाँ पे नाश्ता, पानी वानी सब हो चुका है। तो दादी सा ने बोला रात को खाए थे दाल बाटे, तो अब खाऊंगी मैं हल्का सा नाश्ता, तो फिर उनके लिए मैं बनाऊंगी आज उत्तपम। और ये देखिए यहाँ पे मैंने चटनी बनाने के लिए, कई बार क्या होता है कि घोल पड़ा होता है तो उसके उत्तपम या अप्पा बड़े कुछ भी आप बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ उत्तपम। और ये इसके लिए धनिये की चटनी बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने डाला है टमाटर, थोड़ा सा डालूंगी अमचूर या नींबू का रस डाल सकते हैं, कई लोग दही भी डाल देते हैं, इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, साथ में चाहे तो थोड़ी मूंगफली भी डाल सकते हैं, धनिया है, हरी मिर्ची डाल सकते हैं। चलिए फिर फटाफट से बना लेते हैं धनिये की चटनी और उत्तपम बना के दादी सबको नाश्ता करवा देंगे। तो इसमें डालूंगी थोड़ी हरी मिर्च डाली थी, थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और साथ ही साथ डालूंगी नींबू की खटाई, वैसे तो चाहे तो अमचूर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालेंगे लहसुन इसके अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड जैसे ही जार में मैंने धनिया वनिया सब डाल के चटनी की तैयारी की थी, वैसे भी सबको पसंद है तो थोड़ी ज्यादा मैंने कहा बना देते दाल सब्जी के साथ भी खा लेंगे, सभी को अच्छी लगती है।
तो जैसे ही मैंने रखा और लाइट चली गई, तो पता चला कि लाइट आएगी अभी आधा घंटे बाद, क्योंकि रख रखाव चल रहा है बिजली का दिवाली के कारण। वैसे तो जनरली जाती नहीं है लाइट, और इन्वर्टर पे मिक्सी माइक्रोवेव फ्रिज वगैरह सब बंद करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि अब जैसे सिचुएशन बदल गई, चटनी तो जब लाइट आएगी तब बना लेंगे और चीजों में काम आ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं उत्पम बनाने वाली थी वो बनाना छोड़ के, और दादी सबको डोसा भी पसंद, तो मैंने सोचा कि डोसा बना लेते हैं, छोटा छोटा सा डोसा बना लेंगे। साथ में आलू मेरे बॉईल किए हुए थे, तो थोड़ा सा आलू का मसाला और नारियल की चटनी, तो नारियल भी पीसना पड़ता है। जैसे नारियल का बूरा रखती हूँ, कई तरह की मिठाई वगैरह बनाती रहती हूँ, तो ग्रेटेड कोकोनट मार्केट में मिल जाता है बहुत आसानी से, ये देखिए। तो इसका मैं चटनी बना दूंगी इंस्टेंट। वैसे तो मैंने नारियल की चटनी कई तरीके से बना रखी है, लहसुन डाल के, लाल मिर्ची वाली और हरा धनिया या प्लेन भी। तो आज हम बनाते हैं इंस्टेंट चटनी। जैसे कि चटनी नहीं बनी थी तो खिलाने के लिए, तो सॉस के साथ भी खिला सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है। जैसे आप डोसा बनाने जा रही हो, मैंने सोचा आप डोसा बनाऊंगी तो वो नारियल की चटनी के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है, और दादी सबको भी इसी तरह से कॉम्बिनेशन पसंद है, हमेशा से मैं इसी तरह से खिलाते आई हूँ। तो जैसा कि मैंने सोचा, सिचुएशन के अनुसार आप स्थिति बदल गई है, इसी तरह हमारे जीवन में भी कई प्रकार उतार चढ़ाव आते हैं, उसके अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने फटाफट से डिसीजन लिया है कि मैं बनाऊंगी कोकोनट चटनी। तो यहाँ पे मेरे पास बूरा है, क्योंकि मिक्सी तो चल नहीं सकती है, तो ये हमने ले लिया है यहाँ पे बूरा। तो जितनी आपको आवश्यकता है उतना ले लें, और इसमें आप थोड़ा सा दही मिला देंगे, नींबू का रस भी मिला सकते हैं। जैसे मैं मूंगफली भी डालती हूँ, तो अभी क्रश करके नहीं डाल सकते, भून के डालती हूँ, तो उसको कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल खाली नारियल की चटनी बनाएंगे और तड़का लगा देंगे राई और कड़ी पत्ते का। तो फटाफट से बना लेते हैं। तो ये मैंने बूरा तो डाल दिया ऑलरेडी, थोड़ा सा दही डाल देंगे। वैसे मैं इमली का पानी भी डालती हूँ इसके अंदर, पर फिलहाल अभी दही है इंस्टेंट, तो फटाफट से दही जमा हुआ है तो ये डाल देते हैं। तो इसके अंदर डाल देंगे हम 2 चम्मच दही, ज़्यादा भी खट्टा दही ना डालें, तो ये देखिए। और साथ में अब इसमें मैं मिला दूंगी नमक, तो स्वाद के अनुसार नमक। वैसे तो मैं इसमें ग्रीन चिली पीस देती हूँ, लेकिन अभी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर काली मिर्ची। तो हल्का सा इसमें मिला देंगे पानी, बस जितना इसको पतला करना उतना ही, थोड़ा तो दही से ही हो गया, इसको मिक्स कर लेंगे। अब चटनी में लगा लेते हैं तड़का, तो थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर ऑयल। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो डालेंगे इसमें राई, थोड़ी सी डालेंगे चना दाल, थोड़े से डालेंगे मूंगफली के दाने। आंच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है, क्योंकि हमारे डालने वाले कड़ी पत्ते बहुत उछलते हैं, ये कड़ी पत्ता हाथ से तोड़ के इसमें डाल देंगे। तो मूंगफली हमने इसमें पीसी नहीं थी, तड़के में डाल दिया, मिर्ची भी डाल देते हैं थोड़ी सी। तो ग्रीन चिली डालने के बाद हमारा तड़का हो गया है रेडी, तो फटाफट से हमारा तड़का डाल देते हैं हमारी चटनी के अंदर। तो अब इसको मिक्स कर देंगे चटनी में। तो ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट सी हमारी चटनी तैयार हो गई फटाफट इंस्टेंट। तो ये देखिए, हमारी चटनी रेडी हो गई। चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर इमली का थोड़ा सा रस भी डाल सकते हैं, और आप लोग भी चाहें तो इस तरह से फटाफट, यदि आपको बनानी है नाश्ते में या और भी आपके पास समय नहीं है, तो ये चटनी बना सकते हैं। और नारियल का बूरा रखिए हमेशा फ्रिज में डब्बे में डाल के। उसी कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ी सी राई इसके अंदर, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर ताकि इसमें कलर आएगा। और अब ये डालेंगे आलू को बॉईल किए हुए, और उसी के अंदर मैंने मिर्ची और एक प्याज भी काट दिया था फटाफट से। तो ये देखिए, हमारा आलू का मसाला रेडी हो जाएगा। तो पहले मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला था, बीच में थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते हैं, और इसमें कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। और मसाले में भी चाहें तो मूंगफली, चना दाल और आप सब डाल सकते हैं, हरी मिर्च जैसे मैंने पहले ही डाल दी थी। तो बस अब फटाफट से, आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें अमचूर की खटाई डाल सकते हैं, किसी को पसंद हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार डाल देंगे इसके अंदर नमक, और थोड़ी सी अमचूर पाउडर, क्योंकि हम सांभर के साथ नहीं खा रहे हैं तो इसमें डालेंगे थोड़ा अमचूर पाउडर। तो सभी को मिक्स कर दिया है और हमारा मसाला रेडी हो गया। तो फटाफट से अब दादी साहब के लिए बना देते हैं डोसा। तो ये रख दिया है मेरा फेवरेट, मेरा डोसे का तवा, और इस पे लगाएंगे थोड़े पानी के छींटे और इसको पोंछ देंगे। यहाँ पे घोल को थोड़ा पतला कर लिया है, उत्तपम में थोड़ा गाढ़ा रखते हैं थोड़ा सा। और यदि आपके पास घोल पड़ा है और अगर उसमें आपको खमीर नहीं हो रहा है जैसे सर्दियाँ हैं, तो आप उसमें इनो फ्रूट सॉल्ट मिला सकते हैं थोड़ा सा डालते ही,
खमीर हो जाता है। यदि आपके पास घोल पड़ा है और उसपे खमीर नहीं है तो आप उसके अंदर इनो फ्रूट साल्ट डालें, फिर उसके ऊपर थोड़ा पानी डालें, झाग हो जाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर आपको चाहे इडली बनानी है चाहे उत्तपम, तो थोड़ा सा डोसा बनाना हल्का सा पतला कर लें इडली के लिए गाढ़ा, ऐसे करके आप बैटर को काम में ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से डोसा बना लेते हैं। जब भी डोसा बनाए बिल्कुल धीमी कर लें आंच या फिर बंद करके, जैसे एक बार गर्म हो गया एकदम गर्म तेज आंच पे कभी भी ना डालें उसको। तो अब इस पे डालेंगे थोड़ा घी, इससे क्या होता है टेस्ट भी आता है हमारे डोसे में और हो जाता है बहुत ही क्रिस्पी। तो आप लोग भी इस तरह से बना के देखें, क्रिस्प आ जाएगा डोसे में। तो देखिए हमारा डोसा हो गया रेडी, देखिए आराम से उठ रहा है कितना अच्छा और एकदम से। बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करूँगी, दादी सो को ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए एकदम। और अभी आप और क्रिस्पी चाहते हैं तो इसको उल्टा करके भी सेक सकते हैं, और कई लोग तो वैसे एक बार नीचे से सिक गया है तो उसी पे मसाला लगा देते हैं। तो मैं लगा दूंगी इसके अंदर मसाला, तो ये देखिए हमारा डोसा रेडी हो गया एकदम से और चटनी तो पहले से ही ऑलरेडी तैयार ही है। तो ये लीजिए दादी सा का नाश्ता हो गया है तैयार। अब ये चटनी रख देते हैं और दादी सा को नाश्ता करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे घोल और डोसे का बैटर। तो यहाँ पे मैंने एक और डोसा बनाया है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ये डोसा प्लेन क्यों रखा है, तो ये डोसा बना रहे हैं हम एक अलग ही टेस्ट देके जो कि अर्जुन को पसंद है। तो थोड़ा सा तो घी डाल देंगे इसमें क्रिस्प लाने के लिए। गैस को धीमा कर दिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे हम ऑरिगेनो। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक इसके ऊपर, इसके ऊपर डालेंगे पनीर यानी हमारी कॉटेज चीज है जो, और आप चाहे तो प्रोसेस चीज भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। मेरे पास पनीर पड़ा था तो उसका एक क्यूब लेके मैंने इसके ऊपर घिस दिया है यानी कि ग्रेट कर दिया इसके ऊपर। तो अब इस पनीर पे डालेंगे हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची। तो जैसे कि चीज में तो होता है सॉल्ट, लेकिन पनीर फीका है तो थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर सॉल्ट। और अब इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चिली और हरा धनिया। तो बस एक बढ़िया सा अच्छे फ्लेवर का जो बच्चों को कई बार पसंद होता है, आप चाहें तो चीज़ डाल सकते हैं जैसा। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। बहुत ही अच्छा शानदार सा हमारा डोसा तैयार हो गया। ये देखिए अलग ही टच में और अच्छा सा करारा सेक सकते हैं, जैसा कि बच्चे कई बार पसंद करते हैं। तो नाश्ते में इस तरह से भी ऑरिगेनो चिली फ्लेक थोड़ा सा पनीर या चीज़ डाल के देंगे तो बच्चे बहुत ही खुशी से खाएंगे, क्योंकि ये चीज़ उन्हें बेहद पसंद होती है। तो आप देख सकते हैं पीछे चिमनी की लाइट जल चुकी है और लाइट अभी आई ही है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी परिस्थिति हो, लाइट चली गई है, कोई गेस्ट आ गया अचानक से, कोई भी थोड़ा दूध पड़ा है या सेवई पड़ी है, फटाफट खीर बना दी या कुछ ऐसा जुगाड़ बिठा लेते हैं हम लोग, कोई चीज़ पड़ी उसी से, नहीं कि बाजार से कोई लाने वाला नहीं है कि आप दौड़ाएं, या घर में बेसन पड़ा है ब्रेड पड़ी फटाफट ब्रेड पकौड़े बना दिए, थोड़ा सा मसाला पड़ा है फटाफट मिर्ची में भर के मिर्ची बड़े भी बना देती हूँ मैं तो। तो इस तरह से कार्यक्रम हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लाइट चली गई तो धनिया की चटनी तो जार में है, अभी मैं पीसूंगी, लेकिन फटाफट से मैंने इंस्टेंट नारियल की चटनी बना दी। तो जैसे बूरा पड़ा है नारियल का कोकोनट ग्रेटेड, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और इसके पापा ने अभी खाया डोसा, दादी सा ने, उन्होंने बोला बेहद स्वादिष्ट चटनी बनी है, कोई नहीं बोल सकता है कि ये अभी बनाई है फटाफट से। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं और डोसा बना लिया। उसके बाद मैंने फिर मेरे मन में आया कि थोड़ा घोल पड़ा है तो नया एक बना लेते हैं। बच्चे आजकल पसंद करते हैं ऑरिगेनो चिली फ्लेक, थोड़ा सा फैशनेबल डोसा हो जाएगा हमारा। तो फैशन के अनुसार उसमें थोड़ा चिली फ्लेक ऑरिगेनो पनीर डाल दिया, आप चाहे तो प्रोसेस चीज वगैरह कद्दूकस करके क्यूब्स होती है वो डाल सकते हैं। तो एक फैंसी सा डोसा तैयार हो गया। तो बच्चे सॉस के साथ भी खा सकते हैं और बेहद खुशी खुशी खा लेते हैं बच्चे ऐसी चीजें। तो बच्चे कई बार नाश्ते में ना नुकर कर देते, ये नहीं खाए वो नहीं, तो जैसे घोल पड़ा है रेडी, थोड़ा सा पनीर पड़ा है, चटनी पड़ी है, फ्रिज में थोड़ी तैयारी है, फटाफट से
ऐसी चीजें आप बना के खिला सकते हैं। और यदि गेस्ट आ गए हैं तो कोई चीज जैसे बनानी है, मैंने बताया कि उसी परिस्थिति के अनुसार हम फटाफट से ढाल के और वो चीज बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अब बाजार भेजना है, भाई हड़बड़ी हो रही है क्या बनाए, जैसे आलू पड़े हाँ भाई सब्जी बनानी है, एक तरफ दाल चढ़ा दे एक तरफ सूखे आलू बना दिए क्योंकि बॉयल किए हुए हैं तो फटाफट से बन जाते हैं, फुलके चपाती थोड़े चावल बना लो, तो एक बूंदी पड़ी है जैसे दही पड़ा है तो फटाफट से रायता बना लिया, तो एक पूरी थाली तैयार हो जाती है। एक दो चटनियां मिर्ची कुछ हमारे घर में बनी है तो फटाफट से कटोरियों में रख देंगे तो गेस्ट भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे फटाफट से इतनी सारी, क्योंकि ऐसे काम हमने फ्रेंड्स लाइफ में बहुत किए हैं। पहले गेस्ट आते थे तो फटाफट दादी सब बोलते थे कि अरे भाई ये तो खानो जीम ने जाए हमें, वो फटाफट क्या है कि दाल चढ़ा देते थे, एक तरफ सूखी सब्जी बना दी, भिंडी जैसे पड़ी है भिंडी भी बहुत जल्दी बनती है, फटाफट से भिंडी काट के चमक देते कि चमक दो भिंडियां चमक दो ऐसे बोलते थे, तो भिंडी बना लेते थे, फुलके तो बनते ही आटा गूंधा हुआ है फटाफट से गरम गरम फुलके बना लेते, साइड में थोड़े चावल बना दिए तो एक थाली तैयार हो जाती थी, थोड़ा सलाद काट दिया, पापड़ सेक दिया, तो एक गेस्ट भी खाते तो उनको भी प्रॉपर सा खाना मिलता है ना, तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि आपने अरे फटाफट इतना सब अरेंजमेंट कर दिया। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर पे कर सकते हैं और बना सकते हैं और सभी की तारीफ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमागणी।